फोर्थ क्लास कैसे हैं आप बच्चों? चलो बुक निकालिए, सबने निकाली जीके की बुक? आपका रिवीजन चल रहा है ना, सबने लिख लिया था रिवीजन फॉर फर्स्ट यूनिट टेस्ट? चलिए लिख लिया होगा आपने। और आज मैं आपका फर्स्ट लेसन यानी कि फर्स्ट पेज जो आपका है एम आई राइट वाले चैप्टर से आपको कुछ प्रश्न दूंगी जो आपने क्या करना है अपनी कॉपी में करना है, और सेकंड पार्ट का भी जो आपने अपनी कॉपी में करना है, और साथ में क्या करना है लर्न करना है। जिस दिन पेपर होगा उस दिन आपसे पूछा जाएगा। ओके, देखिए इसमें से इस वाले पार्ट में आपने आपको 8 प्रश्न दे रखे हैं, तो मैं आपको कुछ प्रश्न हल करने के लिए दूंगी जो आप कीजिएगा। देखिए सबसे पहले 2 नंबर का करना है आपने, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, 2 नंबर का आपने करना है, 3 नंबर का करना है एंड 6, 7 एंड 8। अब देखिए 2 नंबर में इट हैज़ 4 नोज यानी कि जिसकी 4 नाक होती हैं, उनमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, स्लग और स्लूथ और क्वाला। इसमें से जो सही आंसर होगा वो आप लिखिएगा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर ए वाला है, स्लग। फिर आपको पूछा गया था 3 नंबर वाला, इट कैन नॉट जंप, जो जंप नहीं कर सकता है। 3 ऑप्शन है, फर्स्ट है टाइगर, डॉग, एलिफेंट। अब जंप कौन नहीं कर सकता है, तो उसमें आपने टिक मारना है। इसका सही आंसर क्या है, सी एलिफेंट। फिर आपको पूछ रही हूँ मैं फिफ्थ वाला, नहीं सॉरी फिफ्थ नो फिफ्थ नहीं 6, इट्स आईज आर बिगर देन इट्स ब्रेन, किस एनिमल की आईज उसके ब्रेन से बड़ी होती हैं? तो आपने क्या करना है, इस वाले को भी करना है। इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं, एक है आपका रिहा एंड ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन। इसमें से सही आंसर आपका बी है, ऑस्ट्रिच। फिर 7 वाला पूछा मैंने आपको, इट यूज इट्स टेल टू बैलेंस, जो अपनी पूंछ के द्वारा बैलेंस कर सकता है। तो आपको 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला वाला है कंगारू एंड दूसरा वाला है टाइगर और तीसरा वाला है हॉर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कंगारू यहाँ पे ए। फिर 8 वाला पूछा मैंने आपसे, दिस इंसर्ट हाइडेंस बिटवीन 2 ट्विंग ऑफ प्लांट्स, कौन सा इंसर्ट है जो पेड़ की टहनियों में छिप सकता है? तो इसमें भी 3 ऑप्शंस हैं, एक फायरफ्लाई एंड स्टिक इंसर्ट्स एंड लेडी बर्ड्स। इसका सही आंसर है आपका बी, स्टिक इंसर्ट। तो आपने कौन कौन से करना है एक बार देखिए, 2 जिसका सही आंसर ए है, फिर आपने करना है 3 जिसका सही आंसर सी है, फिर आपने करना है 6 जिसका सही आंसर है आपका बी, फिर 7 जिसका सही आंसर है ए, फिर लास्ट वाला 8 जिसका सही आंसर है आपका बी। अब देखिए 2 वाले पार्ट्स में मैंने आपको कुछ 2 वाला पार्ट्स है जो उसके भी मैंने आपको टेस्ट दे रखा जो आपने लर्न करना है। देखिए फ्रेंड इन द सी, राइट द सी एनिमल्स नेम, आपने क्या करना है जो समुद्र में पाए जाने वाले जानवर हैं ना, तो उनके नाम आपने कॉपी में लिखना है और क्या करना है इनको लर्न करना है। बुक में आपको पजल्स टाइप में दे रखा है, तो मैं आपको क्या करवा रही हूँ, उनके नाम आपने लिखना है। ओके, और साथ में
ये देखते देख लेना कि बुक में कैसा पूछा गया है। ओके, अब आप अपनी तैयारी कीजिए, अपनी यूनिट टेस्ट की तैयारी कीजिए। चलिए, मैंने आपको सेकंड पार्ट का भी बता लिया जो कॉपी में कर रखा है, ये सी एनिमल्स नेम, एंड फर्स्ट पार्ट के मैंने ऑप्शन आपको बता दिए हैं 2, 3 एंड आपका 6, 7 एंड 8। ये आपने क्या करना है, लर्न कीजिएगा। ओके, चलिए अब आप कीजिए। ओके।